मोदी केयर सिस्टम, समीर मोदी सर और सारे ग्रेट अपलाइन, और जिन्होंने मुझे एफर्ट किया फिर से इस इंडस्ट्री में आने का, और मिस्टर हेमंत जी शर्मा और कुश शर्मा जी का जो जयपुर से है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुक्रिया, एक बार उनके लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू करना चाहूँगा अमित जी सर का, जिन्होंने गाइडेंस दिया कि कैसे इस बिजनेस को फिर से बढ़ा सकते हैं और कैसे इस सिस्टम को बड़ा डेवलप किया जा सकता है, सारी चीज़ें हैं। और थैंक यू आप सब लोगों का, जो आप सब लोग मेरे पुराने साथी हैं, इन सब का भी बड़ा धन्यवाद कि इनकी वजह से मुझे एक मजबूती मिलती है, सबको देख के एक हौसला आता है, जिससे बाउंस बैक होने में मुझे फिर से एक हिम्मत मिली। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, एक बार खुद के लिए तालियां। देखिए क्या, अगर हम सिस्टम में देखें तो 21 दिन में टीवी नहीं हुआ है मेरा, लेकिन सिर्फ 21 दिन काफी नहीं है, इसके पीछे करीब 6 महीने की मेहनत है। बस उस 6 महीने की मेहनत को हमने एक महीने में अंजाम दिया और इस लेवल पे एंट्री करी। कंटिन्यू 6 महीने खूब मेहनत किया था, उसके बाद में ये 1 महीने में किया, और 1 महीने में किसी भी अच्छे लेवल को अचीव करना अपने आप में खुद में एक सरप्राइज होता है और खुद को रोमांचित करता है कि हम एक इतने अच्छे इतने बड़े टाइटल पे हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो काम जो है उसको बड़ी शिद्दत के साथ में करना ही पड़ता है। ठीक है, उस काम के ऊपर हमें लगातार 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 फोकस करके लगातार उस पर कोशिशें करनी होती है, कैसे हम उसको एक नए प्रारूप में ला सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा रोड मैप तैयार करके हमारा एक बड़ा गोल लेना जरूरी होता है। जब तक हम गोल नहीं लेंगे ना, गोल डिसाइड नहीं करेंगे ना, तब तक हम काम करेंगे क्या? कोई बात कहते हैं ना कि जब फुटबॉल खेलेंगे और उसमें गोल ही नहीं बना हुआ, नेट ही नहीं लगा हुआ, तो हम गोल करेंगे कहाँ? तो सबसे पहले गोल डिजाइन करना जरूरी है कि हमें कौन से लेवल तक जाना है, कौन सी इनकम तक पहुँचना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली मैं 22 साल से मोदी केयर के प्रोडक्ट का यूजर हूँ, हमारी फैमिली 22 साल से मोदी केयर के प्रोडक्ट की यूजर है। तो मोदी केयर के अलावा दूसरी किसी कंपनी के प्रोडक्ट हम लोगों को पसंद ही नहीं आए, कभी राज ही नहीं है। वापस शुरुआत करी, आज ज़्यादा चीज़ें नहीं है कहने के लिए, आज ये मान लीजिए कि इस इंडस्ट्री में वापस आने के बाद में अभी मेरा ये पहला ही सेशन है, अभी सीखेंगे आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे भी और डेवलप भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे भी, सब लोग साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। फिर से इस माहौल में एक नई एनर्जी, नया जोश भरने वाले हैं, और सब लोग तैयार हो जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ा काम करना बाकी है। और ये मान लीजिए कि शेखावटे में भी बड़ा बूम, बड़ा ब्लास्ट होने वाला है कि एक से बढ़ के एक टाइटल, एक से बढ़ के एक लोगों के अचीवमेंट आने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को डिसाइड करना है कि वो जो अचीवमेंट और वो जो टाइटल आने वाले हैं वो किसके आने वाले हैं। खुद का नाम लिखिए, खुद के नाम के लिए सोचिए और उसके हिसाब से अपने जो अपलाइन है, अपने साथी है, उनसे मार्गदर्शन लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए लगातार लगातार लगातार। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।